ऐसा क्या है इसमें? इसमें वो सच है जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था। इसमें उनके चेहरे छिपे हैं जो मुझे धोखा देना चाहते थे। अगर उनका बस चलता तो वो मेरी जान के साथ भी खेल सकते हैं, पर मैं उन्हें मौका दूंगा नहीं। काम हो गया है। Manager, please call the police right now. क्यों क्या दिलीप? हमारे क्या होगा? मुंबई एक बड़ा शहर है। इस बड़े शहर के एक बड़े होटल के कमरे में उसी होटल के मालिक की लाश मिलती है। देखने में शायद ये खुदकुशी है, पर अभी अभी हमने देखा कि एक औरत ने फोन पर किसी अनजान आदमी से कहा, काम हो गया। क्या रहस्य है इस औरत का और क्या लेना देना है उसका इस मौत के साथ? नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्या ये एक आत्महत्या थी या किसी की साजिश? इस घटना के रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आइए देखें कुछ दिन पहले की घटनाओं। Excuse me, your phone. Yeah. Okay, all right, goodbye. I will. Hold it for me. Hello, Riya beta. My darling, my sunshine. How are you? Hello, Papa. Congratulations. I'm so proud of you. Thank you, beta. Anyway, आपको वो paragliding का tour कैसा रहा? बहुत ही adventurous था, और सब आपकी वजह से. And you know, मेरी सारी friends आपको thank you बोल रही थी for arranging such an amazing trip. Anything for you, beta. Anything. Papa? एक मिनट, Papa, Mama. Congrats, Dilip. Thanks, Latika. कितने लोगों के फोन आए आपको विश करने के लिए? मैंने भी कितना ट्राई किया,
मैं एक मीटिंग में था, किसी का फोन पिक नहीं कर सका, आई एम सॉरी। सो आपकी एम्बिशियस डील तो हो गई। मैं और रिया सोच रहे थे कि आपकी इस खुशी के लिए छोटी सी पार्टी रखते हैं। कब आ रहे हैं? मैं फिलहाल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कल दिल्ली जाना है, एक बिजनेस मीटिंग है। और यू गाइस कैन कैरी ऑन। ओके ऑलराइट बाय। पापा दिल्ली जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अब समझ में आया तुम्हारे बॉस ने मुझे इस होटल में क्यों ठहराया है। जाके बोल देना उसे मैं मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज से नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। Is everything okay? Not really. Here's my card. Give me a call. I think I can help you out. Thank you. जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आधा काम ऑलरेडी हो चुका है। दिलीप खटूरिया, इसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। बाय। भाई साहब, बेंगलोर के होटल के लिए जो लाइसेंसेस चाहिए थे वो सब आ गए हैं और इस हेलो मिस सुनैना मिरचंदानी, कंग्रेचुलेशन, आप सर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मीट माय यंगर ब्रदर बर्राज, नाइस टू मीट यू सर। हेलो भाई साहब, सर आप सुनैना, कैन यू डू वन थिंग, जस्ट गो आउटसाइड फॉर अ व्हाइल, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। श्योर श्योर सर, प्लीज। भाई साहब ये क्या है, कौन है, कहां से आई है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता किया आपने या बिना पता किए बस यूं ही रख लिया पर्सनल सेक्रेटरी के जॉब में? क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी हो सकता है, कोई इसे प्लांट कर सकता है, भेज सकता है कोई इसे। मैं अच्छे से जानता हूं मैं इसको कहां से लाया। ओके, एंड शी इज परफेक्ट फॉर द जॉब। मतलब आपको पसंद आई इसीलिए आपने रख लिया उसे? बुरा मत मानिए भाई साहब, मगर मेरे ख्याल से आप ये गलत कर रहे हैं। Don't try to teach me, okay? एक काम करो, बाहर जाओ, उसे ऑफिस का सारा काम समझाओ, okay? And Mr. Khanna से कहिए कि वो सारे पेपर्स ऑफिस भिजवा दे, right? Sure, sir. I need to speak to him. So, ये पेपर साइन करने हैं। श्योर। ओके। मिस्टर खुराना से बात करी आपने? हाँ जी। कंसाइनमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई? सब परसों रिवर्ट कर देंगे वो। ओके। आई गेस वो फाइल तो शायद मैंने पहले साइन की थी ना? सर वो जो डील हमने लास्ट वीक फिक्स की थी उसकी। ओके, आर यू हेडिंग ऑफिस ना? या श्योर, आई विल सी यू इन द ऑफिस एंड कॉल मिस्टर रायना आल्सो। श्योर। हेलो मैम, सुने ना, एक्सपोजर के साथ साथ काम पे भी ध्यान दोगी तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। Right? Sorry, ma'am. Hello? वो डील मुझे मिलनी चाहिए थी दिलीप, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो एक धोखा नहीं, एक बिजनेस था। और तुम भी अपने अग्रेशन को बिजनेस इस्तेमाल करना सीखो, वादे में रहोगे। दिलीप को मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को मिलता हूँ। दिलीप कथूरिया अपने बिजनेस की ऊंचाई पर था,
उसे एक चोटी का बिजनेसमैन माना जाता था। फिर भी बिना कुछ देखे समझे उसने एक अनजान लड़की को अपने यहां सेक्रेटरी की जॉब दे दी और फिर आंखें बंद करके उस पर भरोसा भी कर लिया। सुनैना मीरचंदानी भी वहां किसी मकसद से ही नौकरी करने के लिए गई थी। कोई और खिलाड़ी था जो उसके पीछे से छुपकर खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। कौन था वो? कोई बिजनेस राइवल या फिर कोई और? Yes. I've lined up all the appointments for you. That's wonderful. Yeah. Thank you. Sir, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपकी कामयाबी से तकलीफ है। I think आपको सावधान रहना चाहिए। सुनैना, बिजनेस में खतरा अक्सर बाहर वालों से नहीं, अक्सर अपनों से होता है। जैसे तुम मेरे बिजनेस के सारे राज जानती हो। Anyway, I'm just kidding. I'm not an emotional fool. Cheers. Enjoy the moment. शक बिल्कुल सही था, वो औरत आपके खिलाफ गहरी साजिश रचने वाली है। ये पेन ड्राइव, इसमें वो सारे सबूत हैं जो आपके शक को दूर करेंगे। मेहनत का नतीजा है। You earned it. Thank you, thank you. I can't believe it. काम। तो यकीन ही नहीं हो रहा है। It's amazing, it's so beautiful. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. I can't thank you enough. तुम्हारी मेहनत का नतीजा है सब कुछ। You know what? मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज है। Really?
देख ली अपने भाई की करतूतें? आई नो भाभी, लेकिन आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Sign these papers. Look, Latika, मैं किसी तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि एक अच्छी बीबी की तरह इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर। तुम्हें करना पड़ेगा। सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। Yes, sir? सुनाना, मेरे नए प्रोजेक्ट की पेपर्स लेके जल्दी होटल आ जाना। ओके सर। नतिका, ये हमारे डिवोर्स पेपर्स, एक अच्छी बीवी की तरह पेपर्स पे साइन कर दो। सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी और वजह से परेशान हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कुछ ऐसा है जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है मुझे। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन। थैंक यू सर,
आप मुझ पे इतना भरोसा करते, लेकिन सब आपने जो फाइल्स मंगवाई हैं पहले आप वो चेक कर लें प्लीज। लेकिन वो सब कुछ, वो सारी बातें, वो सोके सो सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान लग रहे हैं सर आप, आई कांट सी यू लाइक दिस। जो बात मेरे माइंड में है सर ना, वो सब कुछ आई नो सर, सब क्यों वो सारी बातें सब सर, लास्ट साइन क्यों साहब, बहुत परेशान और स्ट्रेस लग रहे हैं, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए। हाँ यार, मुझे सोना चाहिए। लेट मी हेल्प यू, आपको आराम करना चाहिए, कम। दिलीप, भाई साहब, डॉक्टर को बुलाना। मैनेजर प्लीज कॉल द पुलिस राइट नाउ। क्यों किया दिलीप? हमारे क्या होगा? एक काम करो, इनका सारा सामान कस्टडी में ले लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर रूम को सील कर दो। मिस्टर बलराज, आपको इनकी हत्या के बारे में कैसे पता चला? इंस्पेक्टर साहब, दिलीप भाई साहब ने मुझे, मेरी भाभी लतिका और अपनी बेटी को एक सुसाइड नोट ईमेल किया था कल रात। सुबह उठ के जैसे ही हमने पढ़ा, हम भागे भागे यहां चले, लेकिन इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। ये देखिए, मैं दिलीप कथुरिया एक ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहा हूं जिसके बारे में मैं किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरे सुसाइड के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराया जाए। गुड बाय। मिसेस कथुरिया, आप तो इनकी पत्नी हैं, क्या आप बता सकती हैं कि इन्हें किसी बात का स्ट्रेस था? वो उनकी सेक्रेटरी चलाना कोई पता होगा, क्योंकि कल रात वो ही उनके साथ थी। मैं भी प्लीज, प्लीज, प्लीज क्यों चले? मैं भी संभालो अपने आप को। मिस्टर बलराज, आपके पास सुनैना का कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा? जी। सॉरी, स्विच ऑफ है। एक काम कीजिए, आप उसके फ्लैट का एड्रेस दे दीजिए। उसका क्या एड्रेस होगा इंस्पेक्टर साहब?
मेरे भाई साहब ने एक पूरा फ्लैट उसको दे दिया। लाख मना किया था भाई साहब को कि भाई साहब कौन है लड़की, कहां से आई है, क्या बैकग्राउंड है, कोई भी भेज सकता है उसे। घर दे दिया, गाड़ी, सब कुछ। मेरी कोई बात नहीं सुनी। आज उसी की वजह से, उसी स्ट्रेस की वजह से मेरे बड़े भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इंस्पेक्टर, एक काम कीजिए, आप उस फ्लैट का एड्रेस दे दीजिए। सुनैना, ट्विंकल टावर फ्लैट नंबर 404 में रहती है। ओके, थैंक्स। थैंक यू। दिलीप डिप्रेस तो था पर पुश्तिल नहीं था। उसकी बेटी का मानना था कि उसके पिता कभी भी ऐसा बुजदिली भरा काम नहीं कर सकते। सुनैना का कहीं पता नहीं चल रहा था। पुलिस हर कोशिश कर रही थी सुनैना को ढूंढने की। इस उलझे हुए केस को समझने के लिए सुनैना का पकड़ा जाना बहुत बहुत जरूरी था। सर 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 सर, दिलीप खतुरिया की आत्महत्या हुई थी, हत्या हुई थी। देखिए, हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चली है कि मिस्टर दिलीप खतुरिया ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की। बाकी सच क्या है ये हम आपको उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। सर, हमें पता चला है कि उनके मौत के पहले उनकी सेक्रेटरी उनके साथ थी। जी हाँ, ये सच है। दिलीप जी की मौत से पहले उनकी सेक्रेटरी सुनैना मीरचंदानी उनके साथ थी। फिलहाल वो लापता है, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें उनके बारे में मिलती है हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लीव मी। मेरी सारी परेशानी का कारण ये पेन ड्राइव है। ऐसा क्या है इस पेन ड्राइव में? इसमें वो सच है और वो चेहरे जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था। डिटेक्टिव सूरज खन्ना ने मेरे लिए सब काम किया है। इसमें उनके चेहरे छुपे हैं जो मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन अगर उनका बस चलता तो वो मेरी जान के साथ भी खेल सकते हैं। पर मैं उन्हें मौका दूंगा नहीं। तो ये है सुरेश खन्ना, द डिटेक्टिव। आपको तो पुलिस ढूंढ रही है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे दिलीप सर ने आपके बारे में बताया था, मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंची हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? मुझे यकीन नहीं होता कि दिलीप सर सुसाइड कैसे कर सकते हैं। आई एम श्योर उनका मर्डर हुआ है। आप वो पेन ड्राइव की कॉपी मुझे दे सकते हैं जो आपने दिलीप सर को दी थी? मेरे पास पेन ड्राइव की एक ही कॉपी थी जो मैं दिलीप सर को दे चुका था। ये पेन ड्राइव, इसमें वो सारे सबूत हैं जो आपके शक को दूर करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं उस पेन ड्राइव में वो कौन लोग हैं जिनसे दिलीप सर को खतरा था? ये भी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और वैसे भी पेन ड्राइव गुम हो चुकी है। व्हाट? पेन ड्राइव को लेकर दिलीप साहब का मेरे पास कॉल आया था कि वो उनके घर में कहीं खो चुकी है और मे भी हो सकता है कि वो किसी के हाथ भी लग गई हो। तो सॉरी, मैं बिना ठोस सबूत के मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता।
All right, thank you. Thanks. आखिर क्या था उस पेन ड्राइव में? कहां थी वो पेन ड्राइव? अगर सुनैना इस मौत की जिम्मेदार नहीं थी तो कौन था? कौन था वो मास्टरमाइंड जो इन सब मोहरों के पीछे छुपकर खेल खेलने की कोशिश कर रहा था? लेकिन इन सब सवालों से पहले वो बड़ा बेसिक प्राइमरी सवाल सबके सामने खड़ा था, क्या ये खुदकुशी थी या कत्ल? कर रही हो रिया? मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा, अभी पुलिस को फोन करती, तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ऑलराइट, ये लो, करो पुलिस को फोन, कर दो मुझे पुलिस के हवाले। उससे क्या होगा रिया, तुम्हारे पापा के हत्यारे सामने नहीं आएंगे। तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है रिया, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। इट वॉज ऑल प्लान, जैसे मुझे प्लान किया गया था उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बना के। डोंट बिलीव मी। एक मिनट, तुम्हें प्लांट किया गया था मतलब? गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें दिलीप के ऑफिस में एज अ पीएस प्लांट किया था। इन पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पर दिलीप के साइन हो जाने चाहिए जल्द से जल्द, समझी? काम हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे मेरे काम की कीमत चाहिए। ना ठीक है, जी इंस्पेक्टर अर्जुन। क्या सुनैना पकड़ी गई? से पैसों का बैग भी मिला है, सबूत के तौर पे पेन ड्राइव भी मिला है। जी मैं अभी पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। जी मम्मी, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस को सुनैना और सारे सबूत मिल गए हैं, आप जल्दी चलिए। हो गई है, सुनैना मीरचंदानी पुलिस के हाथ लग गई है और उसके पास वो पेन ड्राइव भी मिली है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम उस पेन ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर दो जो तुम्हारे पास है। मम्मा, पेन ड्राइव डिस्ट्रॉय कर रहे हो? दो Thank you.
यह है सच्चाई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिस के स्टाफ वालों से भी ये बात पता चली थी कि तुम्हारे और दिलीप कथूरिया के बीच काफी नजदीकियां थी। इवन इस बात को लेकर तुम्हारे और लतिका के बीच ऑफिस वालों के सामने ही झगड़ा भी हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि मिस्टर कथूरिया ने अपनी पत्नी लतिका को डिवोर्स तक देने की सोच ली थी। इंस्पेक्टर, जहां तक दिलीप सर का अपनी वाइफ लतिका को डिवोर्स देने की बात है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनका डिवोर्स हमारे संबंधों का कारण नहीं था। और रही बात मेरे और लतिका के झगड़े की, तो वो भी उसी नाटक का हिस्सा था जिसके लिए बलराज ने मुझे दिलीप सर की पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर उनके ऑफिस भेजा था। और इन्हीं लोगों के कहने पर मैंने दिलीप सर की पावर ऑफ अटर्नी पे उनके सिग्नेचर लिए थे, और वो इन्हीं लोगों के पास है। इनफैक्ट दिलीप सर को इन्हीं लोगों से थ्रेट थी। मुझे पूरा यकीन है दिलीप सर को इन्हीं लोगों ने मारा है और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। आइए आइए मिस्टर बलराज, आप अपने और लतिका के संबंधों पर रोशनी डालेंगे। जी इंस्पेक्टर, यह सच है कि दिलीप भाई साहब को मेरे और लतिका के संबंधों के बारे में शक हो गया था, और उसी का वो प्रूफ बनाकर इसे डिवोर्स देना चाहते थे और मुझे अपनी प्रॉपर्टी से अलग करना चाहते थे। और अगर ऐसा वाकई में हो जाता तो हम सड़क पर आ जाते, इसीलिए हमने सुनैना को प्लांट किया एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी। मगर यह भी सच है कि दिलीप की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। वी हैवंट किल्ड हिम, हमने उसे नहीं मारा, हम गुनहगार नहीं है इंस्पेक्टर। गुनहगार तो तुम तीनों हो मिस्टर बलराज, लेकिन तुम दोनों ने दिलीप कथूरिया के खिलाफ जो साजिश रची और जो धोखे से उसके प्रॉपर्टी और बिजनेस को हथियाने का जुर्म किया है, उसके लिए कानून तुम्हें सजा जरूर देगा। सर, पोस्टमार्टम के मुताबिक दिलीप की मौत रात को 11 बजे हुई, लेकिन दिलीप के ईमेल के एड्रेस से मेल करने का टाइम है रात को 12:42। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो आदमी मर चुका है वो वापस जिंदा होकर अपना सुसाइड नोट लिखकर इन्हें मेल करता है। वाह, तो मिस्टर बलराज, इस कहानी का सच आप बताएंगे या फिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? हमने कुछ नहीं किया है, इनकी खातिरदारी करनी ही पड़ी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि हम दिलीप को मारना चाहते थे, क्योंकि उसे मारे बगैर हमें पावर ऑफ अटर्नी नहीं मिलता। लेकिन ये सब बलराज ने किया है। Thank you.
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। You killed my father। ले जाओ इन दोनों को। चलिए, ए चलो। लतिका ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दिया। बलराज कथूरिया ने तो बिजनेस के लालच में अपने भाई की जान ही ले ली, पर इस सब के बदले में इन सबको मिला क्या? जेल की सलाखी। बलराज कथूरिया को अपने भाई दिलीप कथूरिया के कत्ल के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा मिली। लतिका को अपने पति को धोखा देने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 120B के तहत 10 साल की सजा मिली। सुनैना मीरचंदानी को आईपीसी की धारा 420 के तहत 2.5 साल की कैद हुई। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर और इस बड़े महानगर में लोगों के सपने, लोगों की उम्मीदें और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होती हैं। पैसा कमाने और कामयाबी की चाहत नशे की तरह इंसान पर हावी हो जाती है और फिर इस नशे की हालत में इंसान हदें पार करने लगता है। आइए दूसरे नशों की तरह इस नशे से भी लड़ें। यह ऐसा नशा है जो एक भाई को भाई की कत्ल करने पर मजबूर कर देता है। आइए अपने शहर को क्राइम फ्री बनाएं। यह शहर हमारा घर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आइए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक नारा लगाएं, एक मुहिम उठाएं कि हम मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना देंगे। हम ये आज करेंगे, हम ये अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। लौटूंगा फिर मुंबई की एक कहानी लेकर, एक सच्ची घटना जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।